हेलो गाइस, आज हम लोग वीवो T2 प्रो वर्सेस iQOO G7 प्रो के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले एंड जानने वाले कि दोनों के बीच में क्या कुछ फर्क हमें देखने को मिलने वाला है स्पेसिफिकेशंस वाइज एंड प्राइस वाइज, क्योंकि iQOO G7 प्रो ऑलरेडी इंडिया पे लॉन्च हो चुका है एंड वीवो T2 प्रो 22 सितंबर को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। सो दोनों के बीच में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है, सो ये कंफ्यूजन आज की इस वीडियो के साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग दोनों फोनों की लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फ़ोन लुक एंड डिज़ाइन वाइज बिल्कुल भी सिमिलर रहने वाला है। दोनों के बैक में डुअल कैमरे का सेटअप होगा, वही रिंग LED फ्लश मिलने वाला है एंड दोनों का बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। दोनों के बैक में ग्लोसी ग्लास की फिनिशिंग दी जाएगी, यानी कि लुक एंड बिल्ड वाइज दोनों फ़ोन बिल्कुल भी सिमिलर रहने वाले हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोन 6.78 इंचेस की फुल HD+ के साथ एक 3D कर्व AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है एंड दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के ही रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है एंड 10-bit डिस्प्ले दोनों का ही होगा। यानी कि देखा जाए तो डिस्प्ले वाइज भी दोनों फ़ोन बिल्कुल भी सिमिलर रहने वाला है। दोनों के साथ अच्छे खासे कंटेंट वॉचिंग, गेमिंग, मल्टीटास्किंग कर पाओगे। कैमरास की बात करें तो दोनों की रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल की दोनों का प्राइमरी शूटर विथ OIS एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। तो हाँ, कैमरास भी सेम रहने वाला है रियर का, बाकी फ्रंट पे भी 16 मेगापिक्सल की दोनों पे सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी जाएगी। तो दोनों का फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा सेम होगा, सिर्फ दोनों का ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग हो सकता है जिसके साथ क्लियरिटी के ऊपर भी इम्प्रूव किए जा सकते हैं। हालांकि दोनों फोन वीवो ब्रांडिंग के अंदर ही आते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन भी मेरे ख्याल से दोनों का सिमिलर हो सकता है। बढ़ते परफॉर्मेंस की तरफ तो दोनों फोन डायमेंसिटी 7200 वाले सिमिलर प्रोसेसर के साथ आने वाला है, यानी कि दोनों फोन सेम प्रोसेसर के साथ ही होंगे और ये प्रोसेसर के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 7 लाख से ऊपर चला जाता है। 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा तो दोनों के साथ परफॉर्मेंस बेटर मिलेंगे, गेमिंग अच्छे खासे खेल पाओगे एंड बैटरी को भी दोनों फोन अच्छे तरीके से बचा पाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन का खेल होता है, सो कौन सा ब्रांड देखते हैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है जिसके साथ थोड़ी सी बूस्टेड देखने को मिल सकती है। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट को लेकर भी दोनों फ़ोन बिल्कुल भी सिमिलर रहने वाले हैं। दोनों पे 4600 mAh की बैटरी दी जाएगी जहाँ पे 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है, जो कि 30-35 मिनट के आसपास आप लोग अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर पाओगे। तो अब तक जितने भी स्पेसिफिकेशन हमने बात किया ना, वो बिल्कुल भी दोनों का सिमिलर होगा। सिर्फ फर्क होगा कि वीवो T2 प्रो स्टार्ट होगा 6128 GB के बेस वेरिएंट से एंड iQOO G7 प्रो स्टार्ट हुआ है 8128 GB के बेस वेरिएंट से। बाकी ऑलमोस्ट फीचर सेम रहने वाले, दोनों पे सिंगल स्पीकर रहने वाला है एंड दोनों पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाएगा। बाकी विद बॉक्स दोनों फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आएंगे। अब प्राइसिंग की बात करें तो iQOO G7 Pro की 8128 GB बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 23999 यानी कि 24000 से स्टार्ट हुई है और वीवो T2 Pro 6128 GB की बेस वेरिएंट से आएगा जिसकी प्राइसिंग बताई जा रही है कि 21999 यानी कि 22000 के प्राइस पॉइंट पे ये फोन इंडिया के अंदर स्टार्ट हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ रैम रोम वेरिएंट के हिसाब से ही प्राइसिंग को चेंजेस किया जा सकता है, बाकी स्पेसिफिकेशंस तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। अब यहाँ पे मैं आप सभी के कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ तो वीवो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है कैमरा के ऊपर और ऑप्टिमाइजेशन कैमरा के ऊपर ही ज़्यादा करेगा एंड iQOO सबसे ज़्यादा फोकस करेगा परफॉर्मेंस के ऊपर और परफॉर्मेंस को वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा। हालांकि देखा जाए तो दोनों भाई सेम ब्रांड के ही फ़ोन है, सिर्फ नेम अलग है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो आप iQOO की तरफ जा सकते हो एंड अगर आपको कैमरास के ऊपर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो। तो आई होप गाइस आप सभी ये कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे और जो भी कन्फ्यूजन छूट गया होना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मिलते हैं हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।